हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश टू में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा। जिन व्यक्तियों को पैसा मिल चुका है उनके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। काफ़ी दिनों से पैसा स्टार्ट हो चुका है आना, कम से कम मान लीजिए जनवरी से पैसा स्टार्ट हो चुका था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, लेकिन अभी भी काफ़ी बंदों का पैसा नहीं आया है। ठीक है, चाहे वो 2020-21 का हो, चाहे 19-20 का हो, चाहे यहाँ 21-22 का हो। ठीक है, तो वो अपना पेमेंट किस प्रकार से ले सकते हैं, उनका पेमेंट कब तक आएगा, क्या नोटिस आया है, क्या अपडेट आया है बिहार स्कॉलरशिप की तरफ से, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कम्प्लीटली। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पर आया चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट वगैरह और अर्निंग्स की टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि बिहार स्कॉलरशिप जो है उसमें काफ़ी बंदों का पैसा स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी बंदों को पैसा मिल भी चुका है। ठीक है, लेकिन काफ़ी बंदों को पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो उनको अब क्या करना होगा। ठीक है, तो क्या अपडेट है, तो आप एक नोटिस देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ST SC कैटेगरी को 1.5 करोड़ छात्रों को पहले स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो ST SC कैटेगरी है उनको 1.5 करोड़ छात्रों को मिलेगी, लेकिन 1.5 करोड़ मिला नहीं है अभी। ठीक है, ये आंकड़ा है केवल अभी। ठीक है, इनको मिलेगा पहले। ठीक है, इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तब आपको ऐसा करना है कि जिन बंदों का आगे उनके लिए अच्छी बात, जिन बंदों को नहीं आया। ठीक है, तो एक अपडेट आया आप देख सकते हैं फाइनली। तो ये देख सकते, मार्च के एंड तक बंदों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा कम्प्लीटली। मतलब मार्च के एंड तक हर बंदों को पैसा मिल जाएगा। बिहार स्कॉलरशिप की एक लेटेस्ट अपडेट है, बिहार सरकार द्वारा जारी की गई स्कॉलरशिप की तरफ से। ठीक है, मार्च तक आपको पैसा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, जिन बंदों को पैसा नहीं मिला है वो घबराए नहीं, मार्च तक उन व्यक्ति को पूरा पैसा